युद्ध के बीच इसराइल में फंसे भारतीयों का चौथा जत्था आज सुबह स्वदेश लौट आया। चौथा विमान तेल अवीव से 274 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इस दौरान भारतीयों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। इंडियन गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हमें यहाँ बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को और सरकार को और एयर इंडिया को। आतंकी हमले के बाद इसराइल में सायरन और धमाकों की गूंज से निकलकर अपने वतन लौटने का सुकून भारतीयों के चेहरे पर साफ नजर आया। इससे पहले देर रात करीब 1:30 बजे 197 यात्रियों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा था। इस दौरान कुछ यात्रियों ने बताया कि हमास से जंग के बीच उन्हें किस तरह बार बार बंकरों में शरण लेनी पड़ी। दिल्ली का सायरन बजता है, कभी कभी रॉकेट आते हैं, तो उस टाइम हम थोड़ा पैनिक होता है। आप कैसा फील कर रहे थे? थोड़ा पैनिक था, जब खासतौर से बच्चों के साथ, क्योंकि जब सायरन रहता था तो थोड़ा ज्यादा पैनिक होता था, क्योंकि हमें भागना पड़ता था। युद्धग्रस्त इसराइल में फंसे इन भारतीयों की वतन वापसी सरकार की कोशिशों के कारण संभव हुई, क्योंकि युद्ध के कारण तेल अवीव से उड़ानों पर रोक है। पहले बैच में 212 यात्रियों को लेकर विशेष विमान 13 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पहुंचा था। 14 अक्टूबर को 235 भारतीयों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा और आज यात्रियों के दो जत्थे भारत पहुंचे हैं। पहले जत्थे में 197 और दूसरे में 274 भारतीयों की वतन वापसी हुई। दरअसल सरकार ने इसराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 900 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं, जबकि कई और भारतीयों को वतन वापस लाने की कार्रवाई जारी। Z News.